एवरीवन, नमस्ते सत्याकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांस लाइफ एंड लिविंग। सो आज के ब्लॉग में मैं और नकुल आए हैं जंटर मंटर घूमने सीपी। बहुत प्लान बनाए थे पर आज सोए जंटर मंटर आए जाते हैं, खाली मिला है, बच गए, इसलिए आप आ चुके हैं। हम जंटर मंटर टाइम हो चुका है 3:15। बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, दिखा रहा है कि बारिश आएगी पर अभी तक कोई बारिश नहीं आई। इस टाइम हमें जंटर मंटर दिखा रहा हूँ आपको, जंटर मंटर का सब बना सब इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको आज। अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा सिनेमैटिक्स दे के। चलो गाइस, हम आधे घंटे से जंटर मंटर में घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं बिल्कुल मन के ब्लॉग बनाऊँ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बट राइट नाउ सब इतना मस्त हो गया, लाइक ऐसा लग रहा है साइक्लोन यहीं पे आने वाला है, सब कुछ यहीं पर आने वाला है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर हो चुका है, बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है। आपको मौसम दिखाता हूँ कितना मस्त है। हमने सिनेमैटिक शॉट्स लिए जो आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग में पक्का बनाऊंगा। मैं सोच रहा ब्लॉग ना बनाऊं पर अब ब्लॉग बनाऊंगा। पहले आप देखिए मौसम कितना अच्छा है, जस्ट लुक एट द वेदर। और ये हमारे साथ नकुल है, हेलो बोलो। गाइस फोटो बोर्ड ले ली, मौसम देखो गाइस, देखो फोन उठ गया, देखो गाइस। गाइस वहाँ से हो रही जंटर मंटर की एंट्री, वही टिकट काउंटर है, 2500 की है टिकट। अगर आप ऑफलाइन कैश से करेंगे और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 20 टिकट पड़ेगी पर पर्सन, 20 रुपीज़। तो शायद फॉरनर्स के 250 ऐसे कुछ है, आपको बाहर जाकर दिखा दूंगा। मैंने शॉर्ट लिया इसका, देखिए मेरा ब्लॉग ये बना रहा, मैं इसका ब्लॉग बना रहा हूँ, एडिट हो गया क्या भाई। बहुत सारा ब्यूटीफुल बैठा हो चुका है, फोटो लेने दे। ये है इसका मेन जंटर मंटर, आपने देखे होंगे जब धरने होते हैं किसी के भी। अभी रेस्टलर्स का हुआ था कुछ, तो उन्होंने यही पे धरना लगाया था। जितना आप सर्च मारेंगे जंटर मंटर के बारे में आपको सिर्फ वही दिखेगा, धरने धरने धरने, सरकारी लफड़े जो कैसे पे यही पे होते हैं। देखिए इसको शायद सन डायल कहते हैं, कुछ कहते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये सूर्य की टाइम देता है, टाइम बताता है ये आपको। गाइस जो ये बना हुआ है इसे कहते हैं सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये ऐसा बना हुआ है, देखिए ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है। इसका मेजरमेंट्स देखिए, 20 मीटर हाई ऊंचा है और 38 मीटर ईस्ट टू वेस्ट इसकी चौड़ाई, ऐसा मतलब ये होगी। ऐसे में ये 34 मीटर नॉर्थ टू साउथ है, आप देख लीजिए आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ पता होगा। ये है ये गोल सा बना हुआ है, इसका रेडियस है, इसके बारे में सब कुछ ये आया लिखा हुआ है। ये है राम यंत्र, आप पढ़ सकते हैं। इसकी दीवारों की हाइट और पिलर की हाइट अंडर के रेडियस बिल्डिंग के रेडियस से बराबर है 7.5 मीटर इसकी। और इसका फ्लोर 30 सेक्टर में डिवाइड किया गया, जैसे ये देखिए 30 सेक्टर्स में इसका फ्लोर डिवाइडेड है। और इसका पढ़ सकते हैं सब कुछ, जगह इंग्लिश में ये रहा, हिंदी में ये रहा। और गाइस फाइनली बारिश आ चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। गीला चश्मा दिख रहा होगा आपको, गीला हो चुका है मेरा। फाइनली बारिश आ गई है, रेनबो आना चाहिए शायद, क्योंकि बहुत तगड़ी धूप थी उसके बाद बारिश आई है। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने से भीग चुका था मैं, बट फाइनली बारिश की राहत आई। मैप में वेदर्स भी दिखा रहा था कि बारिश आएगी आएगी, बट धूप इतनी तगड़ी थी भरोसा नहीं हो रहा था, बट बारिश आ गई और मौसम चेंज हो गया। लाइक बारिश वाला मौसम लग रहा था पहले, वो भी लग रहा है जाने वाला है। ऊपर देखिए कुछ नहीं लग रहा, कुछ सेकंड की बारिश थी, ये गायब हो गई, बारिश पे गई, कहाँ गई ढूंढनी पड़ेगी। और आपको मेन जंटर मंटर दिखाता हूँ कहाँ बना हुआ है, मेरे साथ नकुल घूम रहा था। ये रहा गाइस, गाइस ये है जंटर मंटर। सबसे पहली सजेशन आपको लोगों को दूंगा, गर्मी में बिल्कुल मत आना यहाँ पे, गर्मी के सीजन में बिल्कुल मत आना। बारिश आ गई फिर से,
बारिश आ गई, अच्छी बात है, पर धूप में बिल्कुल मत आना, खुले में ओपन एरिया है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। प्लीज़ ध्यान से आना, सोच समझ के आना। सीपी में पास है, सीपी जो भी आता है घूमें, दिल्ली जो घूमने आए इस टाइम, वो लोग ज़रूर यहाँ भी हो के जाए, अच्छी जगह है। और सब छुप छुपा बारिश की वजह से, देखिए जो ये मेन इमारत बनी हुई है जिसको हम जंतर मंतर लोग बोल देते हैं, पर ये पूरे इड़ा जंतर मंतर इसको कहते हैं मिश्र यंत्र। इसके बारे में भी इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, बट पूरा ब्लरी हो चुका है, पढ़ सकते कोशिश कीजिए, हल्का हल्का दिख रहा है। ये है इसका, और यह है इसकी इमारत मिश्र यंत्र, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप कभी भी चेक कीजिए जंतर मंतर दिल्ली, ये आपको दिखेगा पूरा। गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई नो परफेक्ट नहीं था क्योंकि बहुत सारी गर्मी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, बट मैंने सिनेमैटिक्स लिए हैं, व्लॉग्स बनाया है, समझाया हल्का सा, जो भी बनाया है उसको भी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो करना, चैनल को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी से करवाओ मेरा, कराओ मोनेटाइजेशन और पैसे कमाएं, फिर आपको अच्छी अच्छी जगह घुमा के लाऊं, बाहर दुबई का ट्रिप मारूं, शायद जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बाहर के भी आने वाले हैं सरप्राइज। तो मैं सोच रहा हूँ मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँ, शायद मैं नेक्स्ट वीक से डेली ब्लॉगिंग शुरू कर सकता हूँ, डेली ब्लॉग्स आएंगे, घर के ब्लॉग्स आएंगे सिंपल, तो सपोर्ट करना, शायद डेली ब्लॉग्स आएंगे, आपको अपडेट कर दूँगा क्या करने वाला हूँ मैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नकुल बोलेगा आपको बाय, जोश ही नहीं रहा देखो इतनी गर्मी है, तो बाय 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 बाय।